हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। तो आज हम बनाने वाले हैं ये वाली सब्जी, जिसे कि हमारे यहाँ ककोड़ा कहा जाता है, या फिर इसे मीठा करेला भी कहा जाता है, और कहीं कहीं इसे कटोला नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ इस सब्जी को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा ज़रूर, और मैं तो इसे ककोड़े ही बोलने वाली हूँ। तो ककोड़े की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए 250 ग्राम ककोड़े। जी हाँ, ये थोड़े से हैवी वेट होते हैं, इसीलिए 250 ग्राम में सिर्फ चार ही आए। तो मैंने इसके साइड्स हटा लिए बिल्कुल हल्के हल्के से। इसके बाद इसे बीज से कट कर लिया है। बीज से कट कर लेने के बाद हमें देखना है कि बीज जो है इसके हार्ड तो नहीं है। यदि हार्ड है तो इस तरीके से चम्मच की हेल्प से हम इसके जो बीज हैं वो हटा लेंगे। सेम जैसे कि करेले में हम बीज हार्ड होते हैं तो हटा लेते हैं, या फिर आपको पसंद ही नहीं है तो भी आप हटा सकते हैं। मैं तो हमेशा बीज जो है यदि हार्ड होते हैं या पक गए होते हैं, येलो या रेड दिखाई देते तभी निकालती हूँ, वैसे नहीं निकालती हूँ। सारे ककोड़े मैंने साइड्स कट करके बीच से कट कर लिए। देखिए, एक मैंने सिर्फ वीडियो के लिए आपके लिए बता करके दिखाया। मैं इसके बीज नहीं हटा रही हूँ, पर आप हटा सकते हैं, अपनी मर्जी है। और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो आप इस तरीके से लंबा कट भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से बीच से लंबा कट करके दो पार्ट में कट कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करूँगी, जिससे कि ये ईजीली कुक हो जाएंगे, क्योंकि इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कुक होने में, और इस सब्जी को अच्छी तरीके से कुक करके ही खाना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से देखिए, सारे ककोड़े यहाँ पे मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, गोल, छोटा, बड़ा, जैसे भी आपको पसंद है। चलिए तो आप सब्जी बना लेते हैं। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें कढ़ाई या पैन जो भी आपको रखना है रख लिए। मैंने पैन ले लिया है और इसमें एक बड़े चम्मच जितना तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो ये जो कटे हुए ककोड़े रखे हुए हैं ना, हमें ये डाल देने हैं पूरे के पूरे। गैस का फ्लेम रखना है हमें एकदम लो, और लो फ्लेम पर हमें 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से इसे मिक्स करते हुए, बीच में एक एक दो दो मिनट छोड़ भी देंगे, ऐसे छोड़ते हुए फ्राई कर लेना है। ध्यान रखें 6 से 7 मिनट तक, आप कम से कम 10 मिनट भी फ्राई कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह पकाना ज़रूरी है। फ्राई कर लेने के बाद इसे निकाल लेंगे, और पैन में तेल उतना ही है, बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, तो मैं और तेल नहीं डाल रही हूँ। अब मैंने एक पिंच हींग डाल दी है, आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल दिया है, साथ ही में प्याज डाल रही हूँ मैं। तो एक प्याज डालिए, मैंने छोटे साइज़ की है मेरे पास, तो मैंने यही डाल दी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। प्याज को मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। जब हल्की सी प्याज पिंक होने लगी है, तब मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें कट करके और साथ ही में 6 से 7 लहसुन बारीक कट करके डाल दी हैं। इन्हें भी मिक्स कर लेंगे, और अब इन तीनों को हल्का सा गोल्डन होने तक पका लेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट बाद 1 छोटा चम्मच जितना हम इसमें धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे किचन किंग मसाला भी डाल रही हूँ, 1 छोटा चम्मच जितना। ऑप्शनल है, नहीं है तो आप इसकी जगह भुना जीरा पाउडर और गरम मसाला डाल लीजिए, 1/4 छोटा चम्मच जितना। तुरंत ही हमें इन्हें मिक्स करके यहाँ पे टमाटर डाल देने हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर क्यूब शेप में कट करके डाल दिए हैं। टमाटर को मिक्स करना है, और टमाटर के साथ ही हमने जो फ्राई करके ककोड़े रखे हुए ना, इन्हें डाल देना है। बिल्कुल भी आराम से, मतलब कि नहीं करना है, मसाले जल जाएंगे, इसीलिए मसालों के तुरंत बाद टमाटर, टमाटर के तुरंत बाद ही ककोड़े डाल देने, क्योंकि ककोड़े आधे पका चुके हैं हम, आधे हमें अब पकाना है। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद 2 मिनट ढक कर के छोड़ दिया है। 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मसाले और टमाटर, ककोड़े सब आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और फ्राई हो जाते हैं, पक जाते हैं, मतलब ऐसा है। अब यहाँ पे मैंने नाइफ़ से चेक किया तो हल्का सा कड़क है ये, मतलब कि समझिए 90% तक कुक हो गया है। तो मैं मिक्स करके एक बार और इसे 2 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके ढक करके 2 मिनट छोड़ दिया है। 2 मिनट बाद हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक मैंने पहले डालना भूल गई, तो मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल दिया है। आप टमाटर के साथ भी नमक डाल सकते हैं। अच्छी तरह नमक को मिक्स कर लेंगे, और अब हमारी सब्ज़ी अच्छी तरीके से कुक हो गई है, पर हमने अभी नमक डाला है, तो मैं सोच रही हूँ इसे ढक करके 1 मिनट के लिए और छोड़ दिया जाए, ताकि नमक जो है अच्छी तरीके से मिल जाएगा, और बस सब्ज़ी भी हमारी पक तो गई है, थोड़ी और पक जाएगी। 1 मिनट और हो गया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, यदि आपको कुछ टेस्ट मिर्च का, नमक का कम ज़्यादा लगे तो एडजस्ट कर सकते हैं, और या फिर चेक कर लीजिए ये कुक हुए हैं या नहीं। अब
यहाँ पे मैंने लगभग 6 मिनट पूरा कुक कर लिया है ककोड़े को। डालने के बाद फिर मैंने डाला धनिया पत्ता, इसके बाद हमने कर दिया गैस का फ्लेम बंद, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसे कर लिया मैंने सर्व। गर्मा गर्म रोटी के साथ आप इसे सर्व कीजिए, बहुत ही बढ़िया लगेगी सब्जी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रेसिपी क्या।